हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज फिर से मऊ शाहगंज रूट पर पड़ने वाले सराय मीर रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आए हैं। सामने देख सकते हैं ये आज़मगढ़ मऊ की दिशा है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जगह जगह पानी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम शुरू कर लिया गया है। आप देख सकते हैं ट्रैक के किनारे ड्रॉप आर्म्स पड़े हुए हैं। तो हम आपको आज़मगढ़ की दिशा में दिखा रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉप आर्म्स नहीं लगा है। चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इस वजह से ड्रॉप आर्म नहीं लगा पाए हर जगह पर। यहाँ पर लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर जो मास्ट लगे हैं यहाँ पर ड्रॉप आर्म लगा है। और आगे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रॉ मटेरियल है वो भी मालगाड़ी लेकर आई है, यहाँ पर खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अब आज़मगढ़ से शाहगंज के बीच में तेज़ रफ्तार से चलेगा, क्योंकि मऊ से आज़मगढ़ के बीच में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था वो अंतिम चरण में है, या आप मान सकते हैं कि पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग जो जीण शीण है इस पर रेनोवेशन का काम चल रहा है ठीक तरह से। यहाँ पर पानी वगैरह भी भरा हुआ है बरसात के कारण, तो इस बिल्डिंग को सुधारा और संवारा जाएगा। तोड़फोड़ की जा रही है इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित रॉ मटेरियल स्टेशन के बाहर भी पड़ा हुआ है, जहाँ पर ये सर्कुलेटिंग एरिया है, पार्किंग एरिया है आप कह सकते हैं। देख सकते हैं स्टेशन के बाहर का नज़ारा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो जीण शीण बिल्डिंग हो गई थी जिसे तोड़कर अब नए सिरे से बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो जो रॉ मटेरियल का सामान है वो मालगाड़ी लेकर आई है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी खड़ी हुई है। यहाँ पर लो लेवल के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। तो आगे इधर देख सकते हैं कि शाहगंज की दिशा है और शाहगंज की दिशा में जितने भी हाइट गेज लगे हैं उसमें ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम कर लिया गया है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई होती तो यहाँ पर ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम पूरा कर लिया जाता और संभवतः अब इसमें फिर से 1 से 2 दिन और लग जाएंगे पूरा काम कम्प्लीट करने में। तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और आप ये मान के चलिए कि अगर बारिश इसी तरह से हर समय होती रही पूरे बरसात के मौसम में और कभी कदार ही मौसम अगर खुला तो ये प्रोजेक्ट और लेट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शाहगंज से आज़मगढ़ के बीच में और डिले हो जाएगा। जैसा कि सितंबर 2021 तक इसको पूरा करना है शाहगंज से आज़मगढ़ के बीच में। और अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो की शुरुआत में ही दिया हुआ है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।